तो हेलो गाइस, एपिसोड 11 पार्ट 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिकल बाकी की ओर बढ़ रहा होता है। वो बाकी के शोल्डर पे एक हल्का सा टच करता है, जिससे बाकी बेहोश होने के बाद वापस से उठ जाता है। फिर बाकी सोच रहा होता है, मेरी बॉडी को क्या हुआ, मैं 30 मीटर ऊपर से गिरा हूँ। मुझे ऐसा दर्द महसूस हो रहा है जैसे बचपन में मैं झूलों के ऊपर से गिरता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे डैड ने पूरा जोर लगा के मुझे एक जोरदार किक मारी हो। मेरे ऑर्गन्स, मेरे लंग्स एक भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से सांस नहीं आ रही है। पर तभी बाकी के मुझसे खून निकलने लगता है, लेकिन बाकी उसे बाहर नहीं गिरन देता और वापस से गिटक लेता है। फिर वो सोचता है, ये क्या था, क्या ये मेरा खून था? अभी मुझे मेरी बॉडी ऐसे फील हो रही है कि किसी ने मेरे ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया है और मैं उसे ज्यादा देर तक नहीं सह पाऊंगा। और वही रहस्य ये देख के कहता है, इतने ऊपर से गिरने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन है, लेकिन बाकी अभी भी अपने पैरों पे खड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि पिकल बाकी को देख के समझ चुका होता है कि उसके सामने जो खिलौना है वो अंदर से पूरा टूट चुका है। बाकी को बाहर से एक भी चोट नहीं आई होती है, लेकिन उसे अंदरूनी चोटें बहुत आई होती है। बाकी पिकल के साथ लड़ने के लिए तैयार तो था, मगर वो अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। आगे बाकी पिकल से कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मारो मुझे, तुम मारते क्यों नहीं मुझे? मगर तभी पिकल सोचता है कि उसके सामने जो खिलौना है वो उसकी वजह से टूट चुका है, जिस वजह से वो अपने घुटनों में बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़ के कहने वाला होता है कि प्लीज गॉड, आप इसे ठीक कर दीजिए। तभी बाकी आके उसे एक जोरदार किक मारता है, क्योंकि बाकी सब सह सकता है मगर किसी को अपने ऊपर दया दिखाना नहीं सह सकता, जिस वजह से वो पिकल को इतनी जोरदार पंच मारता है। फिर वो पिकल को कहने की कोशिश करता है, मगर उसके ऑर्गन फट जाने की वजह से वो अच्छे से बात नहीं कर पाता। मगर वह हकलाते हुए कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे साथ लड़ना ही होगा। वही बाकी को ऐसा देख के पिकल समझ जाता है कि वो उससे लड़ना चाहता है, जिस वजह से पिकल भी खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी ताकत लगा के बाकी को एक पंच मारने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो अपने पंच को रोक देता है और इसके बाद हल्के हल्के हाथों से बाकी को पंच मारने लगता है। ये देखे तो कोगावा कहता है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं रहा। मगर वही पे वो तीनों फाइटर ये देख के समझ चुके होते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हनायामा कहता है, मैं अपने आंखों से ये देख नहीं सकता। एंड बाकी भी समझ चुका होता है कि पिकल जब से उसको खुद का दुश्मन नहीं समझ रहा था, वो बस बाकी के साथ जब से खेल रहा था। पिकल को ऐसा करते हुए देख के बाकी को बहुत गुस्सा जाता है और वो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो। फिर हमें पता चलता है कि बाकी ने अपने शरीर को इतना ट्रेन किया है कि वो बेहोशी की हालत में भी अपने दुश्मन को खत्म कर सकता है। लेकिन अभी लड़ने के बजाय पिकल ने बाकी पे तरस खाया, जो बात बाकी को अच्छी नहीं लगी। आगे हम देखते हैं कि बाकी 30 मीटर ऊपर जाके उस रेलिंग के ऊपर से कूद जाता है और मन में सोचता है, मुझे माफ कर दो, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी, जिस वजह से तुम मुझ पे तरस खा रहे थे, लेकिन अभी मैं अपने आप से खुद को इतना जख्म दे रहा हूँ, तो इसमें तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है, तो तुम मुझ पे दया मत दिखाना। फिर बाकी जमीन पे बहुत ही जोर से गिर जाता है, मगर वही हम देखते हैं कि बाकी अपने पैरों पे बैठा होता है और वो पिकल से कहता है, पर अभी वो पिकल से कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कब से इस दुनिया में हो, तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम कितने ताकतवर हो, मगर अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। वही रहस्य ये देख के सोच रहा होता है कि बाकी इतने ऊपर से गिरने के बाद भी बच गया। आगे हम देखते हैं कि बाकी के पैर कांप रहे होते हैं, उसका पूरा शरीर हिल रहा होता है। बाकी को देख के पिकल को कुछ भी समझ नहीं रहा था, क्योंकि उसने अपने जमाने में ऐसे जानवर देखे हैं जो जिंदा रहने के बाद भी मरने का नाटक करते हैं, मगर यहाँ पे कुछ अलग ही है। बाकी को इतनी छोटे लगी है, मगर वो भी ठीक होने का नाटक कर रहा है, जो देख के पिकल बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर बाकी पिकल के पास आता है और उसे पंच मारने लगता है, मगर उसके दोनों पंच मिस हो जाते हैं, जिसके बाद बाकी पिकल को एक किक मारता है, मगर उससे भी उसे कुछ नहीं होता। पर तभी पिकल धड़ाम से नीचे गिर जाता है, के बाद पिकल फिर से उठ जाता है और बाकी के पास जाने लगता है, मगर तभी वो फिर से गिर जाता है। ये देखे तो कोगावा कहता है, बाकी ने तो पिकल को कुछ भी नहीं किया, मगर पिकल बार बार क्यों गिर रहा है? तो रेसु कहता है, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, मगर हमें ये बात तो पता ही है कि हम पिकल पे कितना भी हमला करें तो उससे उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी चमड़ी और उसकी हड्डियां बहुत ही स्ट्रांग है, जिस वजह से
बाकी ने एक नए तरीके से उस पर हमला किया। उसने अपने हाथ की एक हड्डी का यूज किया। अक्सर बॉक्सिंग रिंग में यह टेक्निक देखी जाती है। देखने वाले को लगता है कि वो उसके पंच से बच गया, मगर वो उसे पंच का शिकार हो जाता है और उसे खत्म कर देता है। तो तोकुगावा कहता है, हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है और आज मैंने ये देख भी लिया। फिर रेसु कहता है, बॉक्सिंग रिंग में एक बॉक्सर एक पंच को सह सकता है, मगर इस हमले को वो नहीं सह सकता, क्योंकि ये हमले से उस बॉक्सर का पूरा दिमाग हिलने लगता है, जिस वजह से उसको बहुत ही दर्द होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। और इस बार बाकी ने लगातार 3 बार पिकल के बॉडी पे इस अटैक को यूज किया है, जिस वजह से पिकल का सर पूरी तरीके से घूम रहा है। पिकल ने पहली बार इस अटैक को झेला है, जिस वजह से उसको कुछ समझ भी नहीं रहा कि उसके साथ हो रहा क्या है। लेकिन मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, जो हम नहीं कर पाए वो बाकी ने कर दिखाया, और अभी यह देखना है कि पिकल इसके जवाब में क्या करेगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 11 का पार्ट 1 एंड होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।